फाइनली मेरे को अपने गेम में जेसीबी का चीट कोड नंबर पता चल चुका और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं अपने गेम में जेसीबी को कंट्रोल कर पा रहा हूँ और अपने गेम में जेसीबी को कंट्रोल करने में मुझे काफी ज्यादा मजा भी आ रहा है। और पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारे गेम के डेवलपर तब से अपने जेसीबी का चीट कोड नंबर भी आ चुका है। तो आज के वीडियो में आप लोगों को जेसीबी को कैसे कंट्रोल करना है और अपने गेम में जेसीबी का चीट कोड नंबर क्या होने वाला है तो काफी लोगों को अभी तक नहीं पता, तो मैं आप लोगों को जेसीबी का चीट कोड नंबर जल्दी से बता देता हूँ। जेसीबी का चीट कोड नंबर होने वाला है, आप लोगों को डायल करना पहले 906। चलो पूरा चीट कोड नंबर जेसीबी का आगे बताने वालों। साथ ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपने गेम में न्यू वेपन्स को भी ले लिया और न्यू वेपन्स को भी एंजॉय करने में मुझे काफी ज्यादा मजा ले सकते हैं, ये भी आप लोगों को आज के वीडियो में बताना। यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपने गेम में पुलिस स्टेशन को ले लिया, ऑप्शन क्या होने वाली है, पुलिस स्टेशन को कैसे लेना है ये भी आप लोगों को आज के वीडियो में बताने वाला। जैसे अपने गेम में आप लोग आईजी स्टोर में ये चीट कोड नंबर डायल करोगे तो अपने गेम में जिम का ऑप्शन आ जाएगा और जिम को आप लोग इजी तरीके से कर पाओगे जैसे कि मैं कर पा रहा हूँ। अब आप लोग अपने गेम में न्यू चीट कोड एक एक करके मैं बता देता हूँ, साथ ही आप लोगों को ये भी बताता हूँ न्यू अपडेट को अभी किससे करना है और अपने न्यू अपडेट की फिक्स डेट क्या होने वाली है। तो न्यू अपडेट को मैंने तो कर लिया बट काफी अंदर नहीं कर पा रहे न्यू अपडेट, तो वो आप लोगों को आगे पता चल जाएगा और अपने न्यू अपडेट की फिक्स डेट भी पता चल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जेसीबी का चीट कोड नंबर बताता हूँ, तो चलिए देखकर वीडियो को स्टार्ट। फिर से और आज की वीडियो होने वाली वो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जेसीबी का चीट कोड नंबर जो कि हमारे गेम के डेवलपर सबसे आ चुका है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में तो नहीं बताया था लेकिन आज की वीडियो में आप लोगों को जेसीबी का चीट कोड नंबर जल्दी से मैं आप लोगों को डायल करके दिखा देता हूँ और जेसीबी को स्पॉन करके दिखा देता हूँ और आप लोग भी अपने गेम में जेसीबी को इसी तरीके से ले पाओगे एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद। बाकी आप लोग अपने गेम में जेसीबी का चीट कोड नंबर लिख भी सकते हो या फिर याद भी कर सकते हो, बिना किसी देर के जेसीबी को स्पॉन हम लोग कर लेते हैं। गेम में जेसीबी का चीट कोड नंबर जैसे मैं डायल करने वाला हूँ वैसे वैसे आप लोगों को डायल करना। एंड आप लोगों को मैं पहले बता दूं हमारे जो गेम के डेवलपर है उनकी तरफ से जेसीबी का तो जो चीट कोड नंबर है वो तो आ चुका है, बट यार मैं आप लोगों को बता दूं हमारे गेम में जो जेसीबी ऐड हुई है उसके अंदर बहुत सारे कंट्रोलर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हो। पहले मैं आप लोगों को बताता हूं ये कंट्रोलर्स कैसे कंट्रोल करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को अपने गेम में जेसीबी का चीट कोड नंबर भी बताऊंगा। अगर मैं आप लोगों को डायरेक्टली अपने गेम में जेसीबी का चीट कोड नंबर बता दूंगा तो आप लोग अपने गेम में जो कंट्रोलर्स हैं उनको आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाओगे और फिर बाद में आप लोग कमेंट करके बोलोगे। तो पहले आप लोगों को अपने गेम में कंट्रोल करके दिखा देता हूं जेसीबी को, उसके बाद जेसीबी का चीट कोड नंबर भी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, इस वीडियो में आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आने वाला है। जेसीबी को कंट्रोल करने के लिए आगे की साइड आप लोगों को चार ऑप्शन देखने को मिलते हैं, चार बटन। एंड अगर आप लोगों को अपने गेम में आगे वाले पे प्रेस करोगे जैसे कि मैंने इस पे प्रेस करा, उसके बाद मेरे जो कंट्रोलर है वो ऊपर चला जाता है, उसके बाद आप लोग जैसे नीचे वाले पे क्लिक करोगे तो वैसे आप लोगों का जो कंट्रोलर है वो नीचे की साइड चला जाएगा। एंड देख ही सकते हो काफी ज्यादा यूनिक देखने को मिला है, ठीक है। बाकी आप लोग अपने गेम में आगे वाले से अपने गेम में ऊपर कर सकते हो और नीचे वाले से इधर वाले से आप लोगों को नीचे कर सकते हो, इसी तरह से आप लोग अपने गेम में इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। और साथ ही आप लोगों को यहाँ पे अलग से एक लोहे का जो डंबल है वो भी देखने को मिला होगा, तो इसको भी आप लोग अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। काफी ज्यादा यूनिक है और काफी इजीली तरीके से इस वाले से नीचे होगा और आगे वाले से इधर की साइड जो आप लोग का ये डंबल है वो इस तरह से हो जाएगा। एंड इसके अंदर क्या इसलिए आप लोगों के लिए ऐड करा है जैसे कि कोई भी कार ऐड करने के बाद कार को आगे लेने के बाद उसके बाद आप लोग अपने गेम में जो कार को इजीली तरीके से पूरी ऊपर की साइड उठा सको, ठीक है। अब आप लोगों को मैंने बता दिया, अब आप लोगों को मैं पीछे वाले जो कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं उनको कैसे ऑप्शन को किस ट्राई करना है वो आप लोगों को बताता हूँ। जैसे आप लोग इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे इधर की साइड जो नीचे वाले चार ऑप्शन है इस वाले पे क्लिक करोगे, इस वाले के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग की जेसीपी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी एंड उसके बाद आप लोग का जो जेसीपी है वो ऊपर की साइड उठ जाएगी। एंड देख ही सकते हो ऊपर की साइड उठने के बाद जेसीपी काफी ज्यादा यूनिक देखने को मिली। और इधर की साइड वाले ऑप्शन पे बटन पे क्लिक करोगे तो आप लोग की जो जेसीपी है दोबारा से अपने एंगल में शेप में दोबारा से आ जाएगी, ठीक है, मतलब नॉर्मल गेम प्ले हो जाएगा। अब आप लोगों में अपने गेम में जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आप लोग का दोबारा से ऐसा ही हो जाएगा एंड आगे में इस तरह से आप लोग अपने गेम में जेसीपी को भी खड़ा कर सकते हो। और देख सकते हो ये इसको ऐसे में जेसीपी को खड़ा करके आप लोग इसी तरीके से मट्टी को खोद सकते हो, वैसे मट्टी नहीं खोद सकते बट यूनिक है, बट सर ने इस वजह से ऐड कर दिया है। अभी आप लोग अपने गेम में जो पीछे वाला ये देखने को मिलता है इसको कैसे बड़ा करना है वो भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे आप लोग अपने गेम में ये वाला बटन पर क्लिक करोगे तो आप लोग का जो पीछे वाला जो डंपल है वो आप लोग इस तरह से बड़ा कर सकते हो और इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख ही पा रहे होंगे इसी तरीके से बड़ा हो जाता है। उसके बाद आप लोग जैसे इस वाले पर क्लिक करोगे तो आप लोग का जो थोड़ा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा एंड बड़ा होते साथ ही आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा बड़ा हो चुका है। बाकी आप लोग अपने गेम में जैसे नीचे वाले पे और पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के जो नीचे का साथ जो हाथ सा बन रहा है उससे भी वो भी आप लोगों का आसानी तरीके से खुल जाएगा और काफी ज्यादा यूनिक तरीके से हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अपने गेम में जेसीबी को एंजॉय कर सकते हो। अभी आप लोगों को मैंने अपने गेम में जेसीबी को एंजॉय तो करके दिखा दिया और जेसीबी का चीट कोड नंबर भी आप लोगों में बता देता हूँ कैसे आप लोग इसको ले सकते हो, क्या चीट कोड नंबर इसका होने वाला है। अभी आप लोगों को मैंने इसको डायरेक्टली कंट्रोल करके दिखाया, तो इस तरह से हम लोग इसको जेसीबी को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों को अपने गेम में जेसीबी का चीट कोड नंबर
देख लेते हैं और अपने गेम में जेसीबी का चीट कोड नंबर जैसे मैं करने वाला हूँ वैसे आप लोगों को भी करना है। जेसीबी का चीट कोड नंबर वो गेम के डेवलपर तब से आ चुका है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरे को वो चीट कोड नंबर पता चल चुका है, तो वो चीट कोड नंबर मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ, तो वो चीट कोड नंबर आप लोगों को आगे मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना, अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिए। गेम से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता रहता हूँ और अपडेट से रिलेटेड अगर कोई आप लोगों को बात करनी है तो उसके लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, उसके लिए भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी और उसका मैं आप लोगों का वहाँ पे रिप्लाई 110% देता हूँ और व्हाट्सएप चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अब आप लोगों को मैं अपने गेम में जेसीबी का चीट कोड नंबर बताता हूँ, तो जेसीबी का चीट कोड नंबर हम लोग आगे देखने वाले। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ हमारे गेम में फाइनली पुलिस स्टेशन ऐड हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो पुलिस स्टेशन को एंजॉय करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं पुलिस स्टेशन भी आप लोग किस तरह से ले सकते हो और अपने गेम में न्यू वेपन्स को कैसे ले सकते हो और साथ ही अपने गेम में जिम को भी कैसे कर सकते हो। सबसे पहले इस छोटी सी ट्रिक को दिखा देता हूं, ट्रिक में काफी ज्यादा मजा आएगा तो आप लोग भी अपने गेम में ट्राई जरूर से करके देखना। तो ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले आप लोग को अपने गेम में एक घोड़े को स्पॉन करवा लेना है, जैसे कि मैंने अपने गेम में घोड़े को स्पॉन करवा लिया। उसके बाद आप लोग को इस तरह से ऑप्शन आना चाहिए, उसके बाद आप लोग को बैठने पे क्लिक कर देना है, जैसे आप लोग का जो करेक्टर है वो स्विमिंग पूल से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। आप लोगों को ध्यान रखना है घोड़े को बिल्कुल स्विमिंग पूल के पास में ऐड करवाना है, जैसे कि अपने गेम में घोड़े को मतलब ऊपर आप लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश करें तो आप लोग का जो करेक्टर वो इस तरह से हो जाए। बाकी आप लोग देख सकते हो ये वाली ट्रिक में आप लोग अपने गेम में करेक्टर को इस तरह से कर सकते हो और देख सकते हो काफी ज्यादा मुझे मजा भी आ रहा है। और ये ट्रिक को करने के लिए आप लोगों को जैसे मैंने बताया बेस्ट वेज आप लोगों को भी अपने गेम में ट्राई करना है एंड इस वाली ट्रिक को आप लोग अपने गेम में इजीली तरीके से कर पाओगे एंड उसके बाद आप लोग का जो अपना जो स्विमिंग पूल है उसका पानी भी सूख जाएगा एंड उसके बाद आप लोग का जो करेक्टर वो नीचे की साइड चला जाएगा एंड उसके बाद आप लोग अपने गेम में पूरी एक्सप्लोर भी कर सकते हो नीचे की साइड से धरती, ठीक है। बाकी आप लोगों को मैं बता दूं अपने गेम में न्यू चीट कोड नंबर एंड अपने गेम में आप लोगों को मैं सबसे पहले बताऊंगा कि पुलिस स्टेशन को कैसे ले सकते हैं एंड पुलिस स्टेशन की लोकेशन क्या होने वाली है। और इस ट्रिक में अगर आप लोगों को मजा आया तो ये वाला इमोजी मेरे को भेज देना, अगर को मजा नहीं आया तो ये वाला भेज देना, ठीक है। बाकी आप लोग को अपने गेम में न्यू पुलिस स्टेशन में आप लोगों को इसकी लोकेशन नंबर दिखा देता हूं। तो गाइस आप लोगों के कमेंट आ रहे थे अपने गेम में पुलिस स्टेशन को भी ऐड कर दो, फाइनल सर ने बोल दिया कि अपने गेम में पुलिस स्टेशन को मैं हां इस वाली न्यू अपडेट में ऐड कर रहा हूं एंड आप लोगों को पक्का इस वाली न्यू अपडेट में पुलिस स्टेशन देखने को मिलने वाला है। अब आप लोगों को मैं बता दूं उसकी कोई भी पिक अभी तक हमको नहीं देखने को मिली है और ना ही कोई वीडियो देखने को मिली है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं अपने गेम में जो पुलिस स्टेशन है उसकी जल्दी पिक आने वाली है और जल्दी आप लोगों को उसकी पिक वीडियो भी आने वाली है एंड वो आप लोगों को मैं सबसे पहले बताऊं उसकी लोकेशन भी आप लोगों को जल्दी बताने वाला हूं, जैसे अपने रोड गेमिंग स्टूडियो सर उसके कोई सैंड मेरे को पिक वगैरह करते हैं। बाकी आप लोगों को मैं बता दूं इस वाली न्यू अपडेट में आप लोगों को एक न्यू फन गन देखने को मिलने वाली है, जैसे कि आप लोग अपने गेम में यहां पे एक न्यू बम को देख रहे होंगे एंड एक न्यू गन को भी देख रहे होंगे। तो सर ने बोला कि इस वाली न्यू अपडेट में आप लोगों को एक न्यू वेपन्स भी देखने को मिलने वाला है। बाकी आप लोगों को मैं बता दूं 50% चांसेस है, सर ने बोला अगर आप लोग इस वाली न्यू अपडेट में एक न्यू गन को भी ऐड करवाना चाहते हो तो न्यू गन ओपी लिख देना। अब आप लोगों को मैं अपने गेम में बता देता हूं जिम को आप लोग किस तरह से कर सकते हो और जिम का चीट कोड नंबर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले अपने गेम में आप लोग को जिम को करने के लिए आप लोग को अपने घर में जाना है और घर में जाने के बाद आप लोग को ऊपर की साइड एक जीना देखने को मिलेगा, उससे आप लोगों को बिल्कुल ऊपर चले जाना है जैसे कि मैं ऊपर आ चुका हूं। उसके बाद आप लोगों के सामने बहुत सारी जिम का सामान देखने को मिल जाएगा और आप लोगों को अपने गेम में जोन से भी जिम करनी है उसके ठीक सामने जाना और आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे कोई भी ऐसा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता जिससे आप लोग हम लोग जिम कर पाए। तो सर ने बोला कि इस वाली न्यू अपडेट में एक दो जिम ऐसी रहेगी जिससे आप लोग अपने गेम में जिम कर पाओगे एंड जिम का कोई चीट कोड नंबर नहीं रहेगा, केवल आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिस पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग अपने गेम में जिम को कर पाओगे एंड वो ऑप्शन कैसा रहने वाला है अपने गेम में जिम को करने वाला तो वो आप लोगों को बता दूं अपने गेम में जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा अपने गेम में जैसे हम लोग अपने गेम में गाड़ी के पास में जाते हैं तो गाड़ी के पास में जाने के बाद हमको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है गाड़ी के अंदर बैठने का, इसी तरह से हम लोग अपने गेम में जिम के दौरे जाएंगे तो वो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और हम लोग अपने गेम में वो जिम को कर पाएंगे इस वाली न्यू अपडेट में, ठीक है। बाकी आप लोगों को मैं बता दूं इस वाली न्यू अपडेट में अपने गेम में जेसीबी का चीट कोड नंबर अभी मेरे को कैसे पता चला और अपने गेम में मैंने जेसीबी को कैसे आप लोगों को स्पॉन करके दिखाया, ठीक है। तो जेसीबी का चीट कोड मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इस वाले न्यू अपडेट में आप लोगों को न्यू जेसीबी देखने को मिला लिया और जेसीबी का चीट कोड नंबर 60 और 90, ठीक है। डायल करने से अपने गेम में अभी जेसीबी स्पॉन नहीं होती है बट इस वाले न्यू अपडेट में आप लोगों को अपने गेम में जेसीबी स्पॉन हो जाएगी ये वाले चीट कोड नंबर डायल करने से सर की साइड तरफ से, तो यही वाला चीट कोड नंबर अभी आया है। तो अब आप लोगों को बता दूं न्यू अपडेट को अभी कैसे कर सकते हैं और अपडेट की फिक्स डेट भी क्या होने वाली है। तो अपने जो न्यू अपडेट की फिक्स डेट होने वाली है वो होने वाली है आप लोगों की 1 फरवरी एंड सर ने बोला कि 31 तारीख को भी न्यू अपडेट देखने को आप लोगों को मिल सकता है। बाकी आप लोगों को बता दूं आज हमारे गेम में 19 तारीख हो चुकी है और आप लोगों को जल्दी न्यू अपडेट देखने को मिलने वाला है और न्यू अपडेट में क्या क्या न्यू चीजें आएंगी वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूं। तो न्यू अपडेट में आप लोगों को बता दूं सर ये सोच रहे हैं कि इस वाली न्यू अपडेट में एक न्यू पुलिस स्टेशन ऐड कर दूं और इस वाली न्यू अपडेट में ये वाला हाउस आया था तो ये वाला हाउस भी आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे, तो इस वाली न्यू अपडेट में पुलिस स्टेशन ऐड होगा। साथ ही आप लोग अपने गेम में यहां पे कार शोरूम भी देख सकते हो, कार शोरूम को भी काफी ज्यादा बिग कर दिया गया है। बाकी आप लोगों को मैं बता दूं इस वाली न्यू अपडेट में एक न्यू गन देखने को मिलेगी जिस पे 50% चांसेस है, अगर टाइम मिलता है तो अपने गेम में न्यू गन भी ऐड हो सकती है। बाकी इस वाली न्यू अपडेट में आप लोगों को अपने गेम में न्यू जिम को भी आप लोग कर पाओगे
एंड जैसे अपने गेम में जिम का भी एक ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और निशान GTR कार देखने को मिलेगी और जेसीपी भी देखने को मिलने वाली है। और जेसीपी को मैंने आप लोगों को बिल्कुल डायरेक्टली लाइव बिल्कुल कंट्रोल करके दिखा दिया, तो इस तरह से आप लोग अपने गेम में जेसीपी को कंट्रोल कर पाओगे। एंड जेसीपी का जो चीट कोड नंबर है वो भी आप लोगों को मैंने बता दिया। अगर आप लोगों को अपने गेम में जेसीपी का चीट कोड नंबर अभी चाहिए अगली वाली वीडियो में, तो आप लोगों को पार्ट टू के लिए सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। जो बंदा पार्ट टू के लिए सब्सक्राइब कर लेता है तो पार्ट टू में उसको अपने गेम में जेसीपी का चीट कोड नंबर भी मैं बता दूंगा, जैसे कि मैंने अपने गेम में सीक्रेट तरीके से लिया है और वो सीक्रेट सेटिंग काफी बंदों को यूट्यूबरों को बताया, तो वो सीक्रेट सेटिंग में आप लोगों को बिल्कुल लाइव बताऊंगा। तो उसके लिए आप लोगों को बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब करना होगा और सब्सक्राइब करने के बाद मैं आप लोगों को पार्ट टू में वो सीक्रेट सेटिंग बता दूंगा जिसकी वजह से मैंने इसको लिया है और इसको मैं कंट्रोल कर पा रहा हूं। ठीक है गाइस, अभी तो हमारे जो गेम के डेवलपर है उन्होंने इतनी सी इन्फॉर्मेशन मेरे को प्रोवाइड करी थी गेम से रिलेटेड। बाकी आप लोगों को मैं बता दूं सेकंड वीडियो में काफी ज्यादा मजा आएगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आप लोगों से फिर सेकंड वीडियो में, जब तक लेता हूं आप लोगों से गुड बाय एंड टेक केयर। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आप लोगों से सेकंड वीडियो में, जब तक लेता हूं आप लोगों से गुड बाय टेक केयर।